Hello, this is Saransh Kumawat and you are watching me on CAS India. In last class, I told you about present continuous tense. So today I am going to teach you past continuous tense. Present continuous tense में मैंने आपको बताया था जब काम चल रहा है, when the work is in progress, is in a continuous form, खत्म नहीं हुआ है अभी तक, काम अभी तक चल रहा है. अब मैं बात करूँगा past continuous tense की. जब कोई काम past में चल रहा था, past में चल रहा था, पास्ट में ख़त्म नहीं हुआ था, पास्ट में हम वो काम कर रहे थे, पास्ट में कंटिन्यूअस फॉर्म में था. प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या बोलता है? कि चल रहा है. पास्ट कंटिन्यूअस क्या बोलता है? चल रहा था. सिंपल प्रेजेंट टेंस चलता है, सिंपल पास्ट टेंस चला था, शुरू हुआ था पास्ट में, ख़त्म भी पास्ट में ही हो गया था. सिंपल फ्यूचर चालू होगा. प्रेजेंट कंटिन्यूअस चल रहा है, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चल रहा था. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम बात किससे करते हैं? यहाँ अपन बात करेंगे वॉज और वर से. किससे? वॉज और वर से. ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इजहार हम था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज और वर होगा. व्हेन द वर्क वॉज इन प्रोग्रेस. ठीक है, वॉज इन प्रोग्रेस, जब कोई काम प्रोग्रेस में था. व्हेन वर्क वॉज इन प्रोग्रेस, वर्क वॉज इन प्रोग्रेस, जब कोई काम पास्ट में चल रहा था. अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, अगर मैं नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करूं, तो फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन के साथ आई, ही, शी, इट, नेम. आई, ही, शी, इट और नेम, यही आते हैं अपने फर्स्ट और थर्ड पर्सन में. इसके साथ आता है वॉज, वॉज प्लस एक्शन में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, फिर हम बात करते हैं सेकेंड पर्सन की. किसकी? सेकेंड पर्सन की. सेकेंड पर्सन में कौन कौन आते हैं? यू, वी, दे प्लस, इसके साथ अपन यूज करते हैं वर प्लस एक्शन में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, जब फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन, वी विल यूज वॉज एंड एक्शन में आई एन जी आएगा. वी विल यूज आई एन जी फॉर्म इन एक्शन. वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर इन अ कंटिन्यूअस फॉर्म और विच वर इन अ प्रोग्रेस, ठीक है, तो उसमें अपन एक्शन में आई एन जी लगा देते हैं. ठीक है, काम चल रहा था, काम चल रहा है, काम चल रहा होगा. जब भी कोई काम चल रहा है तो एक्शन में आई एन जी तो आएगा ही आएगा. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैंने क्या बताया था? आई के साथ एम, सेकेंड पर्सन के साथ आर, थर्ड पर्सन के साथ इज. यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड पर्सन के साथ वॉज आता है और सेकेंड पर्सन के साथ वी विल यूज वर. फर्स्ट और सेकेंड पर्सन के साथ यहाँ पर थर्ड पर्सन, सॉरी, फर्स्ट और थर्ड पर्सन के साथ यहाँ पर वॉज और सेकेंड पर्सन के साथ यहाँ पर अपन वर का यूज करते हैं. लेट्स टेक अ फ्यू एग्जाम्पल्स, लाइक वो क्रिकेट खेल रहा था. वो क्रिकेट खेल रहा था मतलब पास्ट में कोई काम चल रहा था, पास्ट में वो क्रिकेट खेल रहा था, उसने ख़त्म नहीं किया क्रिकेट खेलना, खेल रहा था. ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट. वह इंग्लिश बोल रही थी, शी वॉज स्पीकिंग इंग्लिश. एक्शन क्या है? बोलना, बोलने की इंग्लिश स्पीक. स्पीक में क्या आ जाएगा? आई एन जी. क्यों आएगा? क्योंकि काम चल रहा था, ख़त्म नहीं हुआ था. शी वॉज स्पीकिंग इंग्लिश. I was completing my homework. मैं अपना homework पूरा कर रहा था. I was completing my homework. बारिश हो रही थी. It was raining. मैंने क्या बताया था? When there is no subject in a sentence, we will use it as a subject. ठीक है, It was raining. बारिश हो रही थी. अगर मैं second person को examples के तौर पे लूँ तो तुम क्रिकेट खेल रहे थे. You were playing cricket. You were प्लेइंग क्रिकेट. हम इंग्लिश सीख रहे थे. वी वर लर्निंग इंग्लिश. वी वर लर्निंग इंग्लिश. वे खाना बना रहे थे. दे वर कुकिंग फूड. वे कॉफ़ी बना रहे थे. दे वर प्रिपेयरिंग कॉफ़ी. ध्यान रखना, कॉफ़ी से पहले अपन प्रिपेयर वर्ड का यूज़ करते हैं.
कॉफी से पहले हमेशा प्रिपेयर आएगा, प्रिपेयर। वी वर प्रिपेयरिंग कॉफी, हम कॉफी बना रहे थे, प्रिपेयर कर रहे थे। तो ये थे नॉर्मल स्ट्रक्चर। सिंपल है, जब अपन फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो अपन वॉज का इस्तेमाल करते हैं। ये स्ट्रक्चर तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी था, सेम रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जब मैं सेकंड पर्सन की बात करूँगा तो वर का यूज़ आएगा। अगर मैं क्वेश्चन पूछूँ, अब अगर मैं क्वेश्चन पूछूँ इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो वॉज तो आ जाएगा यहाँ पर और ये आ जाएगा यहाँ, ये आ जाएगा यहाँ पर और ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पोजीशन जो है क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। भाई पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम किससे बात कर रहे हैं, वॉज वर्ड से बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन भी किससे पूछेंगे, वॉज वर्ड से पूछेंगे। तो वॉज आ जाएगा यहाँ पे वॉज प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का यहाँ पर मतलब किससे है, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन से है, प्लस एक्शन में आईएनजी, प्लस एक्शन में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वॉज आई ही शी इट नेम सब्जेक्ट, ठीक है, ये सब्जेक्ट ही है, प्लस एक्शन में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या वह क्रिकेट खेल रहा था, वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट, वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट। क्या वह खाना बना रही थी, वॉज शी कुकिंग फूड, वॉज शी कुकिंग फूड। क्या वह किताब पढ़ रहा था, वॉज ही रीडिंग बुक। तो जब भी अपन क्वेश्चन पूछते कि पास्ट में वो ये काम कर रहा था या नहीं कर रहा था, तो वॉज में पूछते हैं, किस में पूछते हैं, वॉज में। फिर मैं बात करूँ वर की, तो वर प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट का क्या मतलब है, सेकंड पर्सन। मैं यहाँ लिख देता हूँ सेकंड पर्सन, यहाँ पर क्या मतलब है, फर्स्ट और थर्ड पर्सन, ठीक है। वॉज किसके साथ आता है, फर्स्ट और थर्ड पर्सन के साथ, वर किसके साथ आता है, सेकंड पर्सन के साथ। रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर विल रिमेन सेम, एक्शन में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, जब अपन पूछेंगे पास्ट में कोई काम चल रहा था, क्या तुम मोबाइल यूज़ कर रहे थे, वर यू यूजिंग मोबाइल, तुम यूज़ कर रहे थे, तुम कौन है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के साथ क्या आता है, वर आता है, तो वर से सवाल पूछेंगे, वर यू यूजिंग मोबाइल। क्या तुम नया मोबाइल खरीद रहे थे, वर यू परचेजिंग अ न्यू मोबाइल। क्या तुम इंटरनेट चला रहे थे, वर यू सर्फिंग द इंटरनेट या ब्राउजिंग द नेट, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन पूछते हैं। फिर मैं बात करूं अगर नेगेटिव स्ट्रक्चर की, तो बस एक एक्स्ट्रा वर्ड जुड़ जाता है, कौन सा, नॉट। जैसा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैंने बताया था एम नॉट, आर नॉट, इज नॉट, इसी तरह यहां पर भी वॉज नॉट, वर नॉट, वॉज नॉट, वर नॉट, ठीक है। इन लास्ट क्लास आई टोल्ड यू दैट नॉट ऑलवेज कम्स बिफोर एक्शन, बिफोर वर्क, यहां पर भी यही है, नॉट हमेशा एक्शन से पहले आएगा। आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था। यू वर नॉट यूजिंग मोबाइल, तुम मोबाइल यूज नहीं कर रहे थे। इट वॉज नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही थी। क्या बारिश हो रही थी, वॉज इट रेनिंग, नहीं हो रही थी, इट वॉज नॉट रेनिंग, हो रही थी, इट वॉज रेनिंग, ठीक है। ये था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जब अपन बात करते हैं कि भाई पास्ट में कोई काम चल रहा था, व्हेन द एक्टिविटीज वर बीइंग डन इन पास्ट, इट वाज नॉट फिनिश्ड येट इन पास्ट, इट वाज गोइंग ऑन, इट वाज इन प्रोग्रेस, तो वॉज वर से अपन बात करते हैं। तो ये था नॉर्मल स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव, और नॉट लगाते ही ये नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, नेगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर मैं बात करूँ वोकैबुलरी वर्ड्स की, तो मैंने जो आपको वर्ड्स बताए, जैसे कमेंड, प्रेज, एप्रिशिएट, तीनों का मतलब क्या होता है, सराहना करना। कमेंडेबल, प्रेज वर्दी, एडजेक्टिव होते हैं, मतलब कि सराहना जनक, आपका काम कमेंडेबल है, आपका काम प्रेज वर्दी है, ठीक है, एप्रिशिएबल है। तो तीनों का मतलब क्या होता है कि सराहना करना, ये तीनों वर्ब है, क्या है, ये वर्ब है, और ये दोनों एक एडजेक्टिव है, मीनिंग एक ही है, ठीक है। फोर्थ की अगर मैं बात करूँ तो सेलेशियस, सेलेशियस,
सिलेशियस का मतलब में होता है वल्गैरिटी, अगर मैं बोलूँ तो वल्गैरिटी, वल्गैरिटी। ओके, यू शुड नॉट मेक और वॉच सिलेशियस वीडियोज़, कह सकता हूँ मैं एज एन एग्जाम्पल, तो वल्गैरिटी, सिलेशियस। फिफ्थ की अगर मैं बात करूँ तो कमेमोरेट, कमेमोरेट का मतलब होता है सेलेब्रेट करना, कमेमोरेट, COMMEMORATE, कमेमोरेट, ठीक है, जश्न मनाना, सेलिब्रेट करना, इसको क्या बोल सकते हैं, सेलिब्रेट करना। अब जैसे अपन बोलते हैं कि मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, माई हेड इज थ्रॉबिंग, माई हेड इज थ्रॉबिंग, माई हेड इज थ्रॉबिंग, TRUBBING। इस पूरे सेंटेंस का मतलब ही क्या होता है, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, माई हेड इज थ्रॉबिंग। इसी तरह अपन बोलते हैं कि मेरी एक आँख फड़क रही है, माई आई इज ट्विचिंग, माई आई इज ट्विचिंग। फड़कने को बोलते हैं ट्विचिंग, ठीक है, झपकने को बोलते हैं ब्लिंक करना, ठीक है, फर्क है। माई आई इज ट्विचिंग, दाएँ आँख फड़क रही है, बाएँ आँख फड़क रही है, माई लेफ्ट आई, माई राइट आई इज ट्विचिंग, ठीक है, ट्विचिंग, TWITCHING, माई आई इज ट्विचिंग। इसी तरह अपन बोलते हैं कि पैर रगड़ रगड़ के मत चलो, ठीक है, अपन काफ़ी बार यूज़ करते हैं, कॉमन है, तो डू नॉट स्कफल, डू नॉट स्कफल, पैर रगड़ने को बोलते हैं स्कफल, SCUFFEL, डू नॉट स्कफल, ठीक है, पैर रगड़ना स्कफल, आँख ट्विचिंग, ठीक है, माई आई इज ट्विचिंग, फड़क रही है, ठीक है, माई हेड इज थ्रॉबिंग, दर्द के मारे फटा जा रहा है। तो ये तो कुछ इडियोम्स थे। अगर मैं बात करूं, जैसे अपन बोलते हैं कि सीक्रेट रिवील मत करना, किसी को मत बताना, एक तो अपन बोलते हैं डू नॉट रिवील द सीक्रेट, ये तो काफ़ी कॉमन है। इसको दूसरी तरीके से बोले तो बोल सकते हैं डू नॉट स्पिल द बीन्स, डू नॉट स्पिल द बीन्स, किसी को भी सीक्रेट ना बताना, डू नॉट स्पिल द बीन्स, ठीक है। एक और होता है इसी तरह, डोंट लेट द किटन्स आउट ऑफ द बैग, ठीक है, किटन्स को बैग से बाहर मत जाने दो, यानी कि सीक्रेट को रिवील मत होने दो, बाहर मत जाने दो, डू नॉट स्पिल द बीन्स, सीक्रेट फैलाओ मत, सबको मत बताओ। तो क्या मतलब होता है दोनों का ही, कि सीक्रेट मत बताना किसी को, डू नॉट रिवील द सीक्रेट, डू नॉट स्पिल द बीन्स, डू नॉट लेट द किटन्स आउट ऑफ बैग, ठीक है, ये अपने क्या है, दोनों इडियोम्स है, ये है अपने क्या, इडियोम्स। तो कमेंड, प्रेज, एप्रिशिएट, किसी को सराहना करना, कमेंडेबल, प्रेस वर्दी एक एडजेक्टिव है, ठीक है, मतलब एक ही है, सराहनाजनक, सराहना करना, ये फ़र्क होता है एडजेक्टिव और वर्ब में, मैं बताऊंगा जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे। फिर मैं बात कर रहा सेलेशियस, सेलेशियस यानी कि वल्गैरिटी, ठीक है, कोमेमोरेट मतलब सेलिब्रेट करना, कोमेमोरेट मकर संक्रांति, कोमेमोरेट क्रिसमस, दिवाली, कुछ भी बोल सकते हैं, एज एन एग्जाम्पल, माई हेड इज थ्रॉबिंग, ठीक है, अपन ये यूज़ करते हैं, काफ़ी कॉमन है, ठीक है, बट पता नहीं है इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, तो कैसे बोलेंगे, माई हेड इज़ थ्रॉबिंग, थ्रॉबिंग यानी कि दर्द से फटा जाना, माई आई इज़ ट्विचिंग, ट्विचिंग मतलब आँख फड़कना, लेफ्ट आई राइट आई, ठीक है, वो अपने हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं, डू नॉट स्कफल, पैर रगड़ रगड़ के चलना या जूते घिस घिस के चलना, तो डू नॉट स्कफल, इडियम्स मैंने बताया, डू नॉट स्पिल द बीन्स एंड डू नॉट लेट द किटन्स आउट ऑफ दी बैग, ये आपका 10 था। सो इफ यू लाइक दिस सेशन, कीप ऑन वॉचिंग काशी।